आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन, निकाली गई रैली। आपको बता दें कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजकर मुख्य सेविका की सीधी भर्ती से पहले नियमानुसार विभागीय प्रमोशन यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के मुख्य सेविका व सहायिका के कार्यकर्त्री पद पर 50% कोटा पूरा करने की मांग की। इसके साथ ही लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन फीडिंग में आ रही दिक्कतों के समाधान की भी मांग की गई। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिवाला। शशिवाला जी, किस पद पर हैं आप? जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नाम से संगठन है, उसकी प्रदेश महासचिव। अच्छा, आज रैली निकाली जा रही है, इतना बड़ा प्रदर्शन है, क्यों है? ऐसा है, जो ये प्रदेश भर में इन्होंने मुख्य सेविका की सीधी भर्ती सरकार ने निकाली है, इससे हमारी आंगनबाड़ी बहनों में बहुत खुश है, क्योंकि जो पहले से संविधान का नियम है कि 50% कोटा जो है आंगनबाड़ी वर्कर से ही मुख्य सेविका का पूरा होना चाहिए। इसी के तहत 2012 में हमारे एक संगठन, हम लोग खुद मिले थे जाकर सचिव से लखनऊ, वहाँ ये वार्ता हुई थी हमारी और उसमें ये समझौता हुआ। हम 100% की बात कर रहे थे कि 50% तो पहले से निर्धारित है, लेकिन 100% जब हमारी आंगनबाड़ी इसके योग्य हैं और 20-23 साल से इसमें नौकरी कर रही हैं, तो 100% कोटा जो है हमारी आंगनबाड़ी से ही पूरा होना चाहिए। तो सचिव ने कहा कि नहीं, 100% तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बात है तो 75% का समझौता हमारा हुआ और हमारे पास लिखित है 75% का समझौता कि आंगनबाड़ी से 75% कोटा जो मुख्य सेविका के पद पर भर्ती होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे सब दरकिनार रखते हुए सीधी भर्ती निकाली है। इससे हमारी आंगनबाड़ी बहनों में बहुत रोष है। हमारी सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले जो संविधान के नियम है 50% का, उस पर और प्लस जो 75% की बात हुई है, 25% और जो समझौता हुआ है वो 75% उसमें हमारी मुख्य सेविका की भर्ती होनी चाहिए। फीडिंग का काम, जब जो मोबाइल सरकार ने दिए हैं उसमें ना कोई डाटा है ना कोई सिम है, तो उसके बिना हमारी आंगनबाड़ियों को दूसरे जो इसमें फंक्शन है मोबाइल के अंदर, कोई भी आंगनबाड़ी बहन इसमें सक्षम नहीं हो पा रही है इसमें फीडिंग करने की, दूसरे मोबाइल की हेल्प से वो फीडिंग चल रही है। तो सरकार या तो जो मोबाइल दिए हैं उसका कोई ऐसा प्रशिक्षण दें या उसमें ऐसे ऐप होने चाहिए कि जो सारी चीज़ फीडिंग लाभार्थियों की आंगनबाड़ी कर सके। उसके तहत हमारी जो फीडिंग नहीं कर पा रही हैं बहनें हमारी, तो उसके लिए उन्हें कठोर कार्रवाई हो रही है, स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि क्यों नहीं फीड कर रही है, तुम्हारी सेवा समाप्त हो जाएगी, मानदेय बंद हो जाएगा। तो इस तरीके की जो कार्रवाई हमारे विभाग कर रहा है तो नहीं करनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पर्याप्त प्रशिक्षण और पर्याप्त संसाधन देकर ही हमारी उसमें फीडिंग का काम करवाए सर, ये विभाग, ये हमारी आज दोनों मांग है।